As a law student, we know that you have a lot on your plate. Between classes, never-ending assignments and studying for a lot of stuff, to stay on the top can be difficult at times. Fortunately, there are some extensions jo aapki life ko kafi easy bana denge. There are 5 top Google Chrome extensions that you can use as a law student. Grammarly. Grammarly help karega aapki spellings and writing ko check mein rakhne ke liye. For example, agar aap decision ko galti se type kar dete hain DECSION, to Grammarly fatafat is cheez ko catch kar leta hai aur aapko underline karke bata deta hai ki ye spelling error hai. जब बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने होते हैं, लिखने होते हैं, तो ये छोटे-छोटे एरर्स मिस हो जाते हैं। इन एडिशन ये आपकी भी हेल्प करेगा आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और फ्रेजिंग में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लिखना है द प्लेंटिफ आर्ग्यूज दैट द डिफेंडेंट वाज गोइंग फास्ट ऑन द रोड, बट आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी स्ट्रक्चरिंग लीगली बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो Grammarly आपको और स्ट्रक्चराइज करके बता देगा दैट द पार्टी आर्ग्यूज दैट द अदर पार्टी वाज गोइंग एट एन एक्सेसिव स्पीड, थोड़े से अपलिफ्ट कर देगा वर्ड और एडवांस वोकैबुलरी भी दे देगा। एज अ लॉ स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लियर कंसाइज एंड प्रिसाइज स्टेटमेंट्स। Grammarly विल हेल्प यू विद दैट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 4-5-6 लाइन का बहुत लंबा सेंटेंस लिखा है कि एक ब्लू कार है, रोड पे चल रही है, उसपे स्क्रैच भी है, एंड द डिफेंडेंट वाज राइडिंग दिस कार एंड सो ऑन एंड ऑन, तो इस सेंटेंस को Grammarly आपको कंसाइज करके बता देगा कि छोटा और शॉर्ट में क्लियरली कैसे लिखा जा सकता है दैट अ ब्लू कार वाज ड्रिवन बाय द डिफेंडेंट एंड हैड सम स्क्रैच ऑन इट। इट विल आल्सो हेल्प यू इन सेटिंग अप द टोन ऑफ योर सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका राइटिंग स्टाइल ही ऐसा है कि आप पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो Grammarly उस टोन को सजेस्ट करते हुए आपको बता देगा कहाँ कहाँ आप एक्टिव वॉइस को उसे रिप्लेस कर सकते हो ताकि आपकी टोन और क्लियर और एफर्टलेस लगे। द सेकंड वी हैव एवरनोट वेब क्लिपर। ये आपकी हेल्प करेगा सेव करने के लिए वो आर्टिकल्स या फिर वेब पेजेस या वेबसाइट्स जो कि आपको शायद रिविजिट करनी हो बाद में कभी भी रेफरेंस के लिए। As a law student, you will be doing a lot of research. और ये बहुत जरूरी है कि आपकी सारी रिसर्च एक जगह हो। Evernote Web Clipper help करता है आपका कि आप एक जगह सारे resources को combined करके accumulate कर सको ताकि बार बार आपको resources सर्च करने में time waste नहीं करना पड़े। For example, let's say कि आप एक topic पे research करते हुए randomly एक हिंदू के article पे आके गिर जाते हो। अब ये article आपको बहुत अच्छा लगता है, you feel कि this is very very relevant. जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो आपकी रिसर्च में बहुत काम आएगा, तो आप इसको ये एक्सटेंशन यूज करके सेव कर सकते हो। बाद में आप कभी भी वो रिसर्च पेपर या आर्टिकल लिख रहे हो और आपको इजीली एक्सेसिबल मटेरियल चाहिए दोबारा उसको सर्च किए बिना, तो आप Evernote वेब क्लिपर का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप टैग्स के थ्रू या फिर नोट्स के थ्रू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेव भी कर सकते हो वेब क्लिपर के ही अंदर। नेक्स्ट आप यहाँ Zotero कनेक्टर। Zotero Connector is great for your research. It is an amazing reference management tool. जिससे आप अपने सारे sources को collect कर सकते हो, manage कर सकते हो और cite कर सकते हो। Law tool में बहुत सारी जगह आपको article में citations के format डालने पड़ते हैं, ठीक है? With Zotero, you can make sure कि आपका सारा material जो भी आपने research किया है, एक तो सबसे पहले वो एक जगह combined हो जाए, books हो, articles हो, website हो। दूसरा, आप appropriate format में उनको citation के लिए convert कर सको। For example, let's imagine you're writing a paper on intellectual property rights. और इस पेपर को लिखते वक्त you'll come across a lot of websites, sources, research paper and court cases. Zotero आपको एक पर्सनल लाइब्रेरी भी देता है जिसमें आप टॉपिक या थीम वाइज अपने आर्टिकल्स और वेबसाइट मटेरियल अलाइन कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और उनको बाद में यूज कर सकते हो। ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लेता है जब आपको रिविजिट करना होता है और सारे साइटेशन फॉर्मेट अलग अलग बताने होते हैं। Not only this, Zotero Connector also helps you save a lot of your time and also avoid plagiarism. कैसे? सारे sources अगर एक जगह होंगे, referencing properly होगी, तो plagiarism तो कम आएगा ही ना? Next up, we have Google Scholar button. Academic articles ढूंढने हो या academic research work ढूंढना हो cite करने के लिए, तो Google Scholar button is apt for it. With this extension, आप Google Scholar के articles directly अपने search engine से ढूंढ सकते हो और आपको अलग से उस website को visit करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दिस विल ऑल्सो हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. एंड जब बात आएगी प्रिसाइज रिसर्च की सोर्सेज साइट करने में, तो ये रिसोर्स आपको उसमें भी हेल्प करेगा. लेट्स से आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो और उसमें अब आपको किसी गूगल स्कॉलरली आर्टिकल की जरूरत पड़ती है, आप इसी को यूज कर सकते हो और अलग से किसी वेबसाइट पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी. आप गूगल स्कॉलर के एडवांस फीचर भी सर्च इंजन में यूज कर सकते हो ताकि आप डेट, ऑथर और थीम वाइज आर्टिकल्स को नैरो डाउन कर सको. ये आपका काफी टाइम सेव कर लेता है और डायरेक्टली आपको एक हाई क्वालिटी एकेडमिक कंटेंट देता है जो आपके रिसर्च पेपर और मेमो और आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. एंड फाइनली वी हैव स्टे फोकस्ड. As the name suggests, this will help you stay focused while you are handling the lot of law school pressure that is surrounding you. For example, आप बहुत कोशिश कर रहे हो एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, पर सोशल मीडिया आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. Stay focused will make you more productive और इसके साथ आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो. अब क्योंकि सोशल मीडिया कभी कभार बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, स्टे फोकस आपको हेल्प करता है टाइम लिमिट सेट करने में कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया और अदर वेबसाइट पे स्पेंड करते हो. आप किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कितना टाइम दे रहे हो आप उसको लिमिट कर सकते हो, सो दैट आपका प्रॉपर बैलेंस इज बीइंग ड्रॉन बिटवीन योर प्रोडक्टिव आवर्स एंड योर टाइम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. इन कंक्लूजन, आपको ये सारे एक्सटेंशन बहुत हेल्प करेंगे टू स्टे फोकस, बी वेरी प्रोडक्टिव एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड इन द मेसी लॉ स्कूल वर्ल्ड व्हिच कैन बी कंफ्यूजिंग एट टाइम. From improving your writing through Grammarly to managing your resources and stuff through Zotero, all these extensions are super useful. So make sure you try them out and let us know in the comment section below if you come across any such more extensions.